क्या भाई है तुम्हारा जिसे तुम पे वार करते हुए एक बार भी दया नहीं आई, जिसने तुम्हें तकरीबन तकरीबन मार ही दिया था। एक बार अपने ऊपर हुए अत्याचारों को याद करोगी तो तुम्हें अपने आप मालूम चल जाएगा कि आगे तुम्हें करना क्या है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो इज्जत आबरू के नाम पे खून खराबा करने वाले उन लोगों को कभी माफ नहीं करता। मैं तो घर भी नहीं जा सकती। तो मत जाओ, वैसे भी तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम्हारा कोई अपना नहीं है। अगर होता तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती। फिक्र मत करो, सुबह होते ही पुलिस स्टेशन ले चलूंगा। क्या हुआ, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हो? तुम औरतें सच में अजीब होती हो। जब तुम्हें दबाया जाता है तब दुहाई मचाती हो कि जुल्म हो गया, और जब तुम्हें यह कहा जाए कि जुल्म के खिलाफ लड़ो तब रिश्तों में बंद कर चुपचाप जुल्म सहती रहती है। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे मन में जो आए वो करो। क्या हो गया ब्रज को, पता किसका फोन भी नहीं आया, पता नहीं वो लड़की उसको मिली या नहीं। गीत क्या कर दिया तुम, इतना बड़ा पाप करा दिया हमसे, उसके लिए तो ऊपर वाला भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। ऊपर वाला माफ कर भी दे तो एक बाप आपको कभी माफ नहीं करेगा थार जी। वो तो हमारी गलतियों की सजा चुका के चली गई। अगर तू बहस करने आया है तो इस सख्त में कोई बात नहीं करना चाहता। आपने तो दारजी मेरी मिन्नत भी स्वीकार नहीं की, भला भला मैं आपसे क्या बहस करूंगा जी। मेरी फूल सी बच्ची, इतने प्यार से मैंने पाला उसको, आपके उसूलों की भेंट चढ़ गई। मैं तो आपसे ये विनती करने आया हूं जी कि आपके लाडले ब्रिज ने उसे मार तो दिया है, अब कम से कम उसकी लाश तो दिलवा दो जी। नहीं सबसे उसका अंतिम संस्कार तो कर सकूं। हमारे मारने से पहले अगर वो खानदान की इज्जत की खातिर खुद अपनी जान दे देती, मैं भी उससे इज्जत वाली मानता। और उसके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। इस मामले को यहीं दफना दे महिंदर, यहीं दफना दे।
अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो ये सबूत है, इसे लेकर तुम पुलिस स्टेशन जा सकती हो। इसमें ब्रिज की उंगलियों के निशान और हमारा खून भी है। बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसे यहां से शहर ज्यादा दूर नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूं। चाहूं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन यहां अकेले रुकना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। रिच पाजी, दिन चढ़ा है, अब क्या करेंगे? रिच ओए, उनको पता लग गया है ब्रिज। वहां आधी फरलांग दूर एक झोपड़ी है, तो चलो ओए छत्ते कर। सामने इस लड़की ने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इसे कोई हक नहीं है जीने का। उगीत, उगीत, ये हवेली की इज्जत मेरी बेटी को खा गई और मेरी गीत को खा गई। बेटी लेकर जा रहे हैं वो लोग, इसी उनकी बातों को सर आंखों पर रखने में ही भलाई है। हमारी गीत में कोई कमी थोड़ी ना है। क्या ये कम है कि वो लड़की है? जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना अच्छा है। मेरा फैसला अभी भी अटल है। क्या तुम 3 दिन में शादी करने के लिए तैयार हो? कुड़िया क्यों पढ़ती है? ताकि उनको चंगा मुंडा मिल सके। तू बहुत पागा वाली है, तो देव जैसा पति तुझे मिल रहा है। जिस देव खुराना का तुम नाम ले रही हो, उस नाम का ही कोई भी आदमी कराना जाएगी राज। पेट से है तू, मां बनने वाली है। और हम सबका फैसला यही है कि उस बच्चे को गिरा दिया जाए। पापा जी तुझे बोल रहे, जा भाग जा यहां से, जा बेटा भाग जा। जीप रोकिए। ओ
मैंने कहा जीप रोके। क्या हुआ? मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। मुझे पता था कि तुम यही करोगी। तुम्हारे घर वाले चाहे तुम्हें मार क्यों ना दें, लेकिन फिर भी तुम अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है, तुम्हारे मन में जो आए वो तुम करो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना है। जी की पूरी गीत इन्हों की हो गया है, इन्हें कपड़े क्यों फटे हुए? नहीं ऐसा लग रहा है जैसे लड़के आई हुई, हाथ में तलवार भी उठा रखी है। कुर्बानी दी है ना, जब जीत ही नहीं रही तो घर भी नहीं रहेगा। मिंदर तू क्या कर रहा है, पागल हो गया तू? अपना घर जला देगा। हाँ जला दूंगा, आज मैं सब जला दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। जब जीत ही नहीं रही तो कुछ नहीं रहेगा। ओए मिंदर, मिंदर 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 जी आगे नहीं आ रहा। आज मैं घर जला दूंगा, आज मैं सब कुछ जला दूंगा, आगे मत आना कोई भी। रानू समझाई से तू पागल हो गया। दे मेरे को मशाल। मिंदर जी आगे नहीं आ रहा। फिर मैं भी जाता हूं। मैं पकड़ दूं मिंदर। छोड़ छोड़ मिंदर। क्या भाई है तुम्हारा, जिसने तुम व्यवहार करते हुए एक बार भी दया नहीं आई। वैसे भी तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, अगर होता तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती। तुम औरतें सच में अजीब होती हो, जब तुम्हें दबाया जाता है तब दुहाई मचाती कि जुल्म हो गया, और जब तुम्हें यह कहा जाए कि जुल्म के खिलाफ लड़ो तब रिश्तों में बंद कर चुपचाप जुल्म सहती रहती है। चाचा जी मशाल छोड़ दिए। चाचा जी छोड़ दे, पूरे घर को जला के खाक करेंगे क्या? छोड़ दे। लो दादी लो, आ गया आपका लाडला। मेरी चीज का कातिल आ गया। इसको तो बहुत चोटें लगी हुई, इसकी ऐसे हालत कैसे हो गई? एक बार अपने ऊपर हुए अत्याचारों को याद करोगे तो तुम्हें अपने आप मालूम चल जाएगा कि आगे तुम्हें करना क्या है। चाहो तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन यहां अकेले रुकना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। दूसरों को बचाने आए तो छोड़िए मुझे। छोड़ मिंदर, तू ये क्या कर रहा है?
जो मैंने पहले किया था तो आज मेरी की जिंदा होती वीर जी, मेरी की जिंदा होती। इस राक्षस के घर में कोई जगह नहीं, आज मैं सारे जमाने को बताऊंगा, सबको पता चलना चाहिए कि अपनी बहन का कतिला। चल निकल मित्र, निकल इसका से, निकल, चल कभी नजर मत आई इस घर के आस पास, चल निकल। क्या कोई नहीं आएगा, आपकी बेटी मर चुकी है।